सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। जिस काम को आप चाहते हो उसमें अपना विश्वास रखो, उसे करना जारी रखो और वो तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम्हें जाने की जरूरत है। वो करो जो आपको पसंद है, लोगों की चिंता मत करो क्योंकि लोगों का काम है कमी निकालना। लोग तो भगवान में भी कमी निकाल देते हैं, फिर हम तो इंसान हैं। आज का पंचांग 20 जून 2021 दिन रविवार, ज्योष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 4:21 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र शाम 7:49 तक रहेगी। इसके उपरांत श्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:30 से 7:11 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर सुबह 7:42 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। तुला राशि 20 जून 2021 दिन रविवार, आपको अभी किसी यात्रा शायद निवेश या शायद कहीं विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। अगर ऐसा है तो चोट या दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी बरतें, अपने विश्वासों को पुनः व्यवस्थित करने और आध्यात्मिक विषय में शोध करने का यह एक अच्छा समय है। यह सौभाग्य भरा समय है इसीलिए इसका मजा लें। महीने का यह दौर आपको नए आयाम खोजने के लिए आगे बढ़ाने वाला है। आज कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचें और समझदारी से निर्णय लें। महत्वपूर्ण काम करने से बचें। सफल होने के लिए जरूरी है कि आपकी सफल होने की इच्छा असफल होने के भय से ज्यादा प्रबल हो। दिन सामान्य व्यतीत होगा। समय को अनुकूल बनाने के लिए कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी। अपनी प्रतिभा और योग्यता को पहचाने। कुछ समय बागवानी और प्रकृति के सानिध्य में व्यतीत करने से मानसिक सुकून और शांति मिलेगी। भविष्य में घटने वाले कुछ घटनाओं का अंदाजा लगने के कारण आप परिस्थिति को संभालने के लिए जो भी प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता है इस पर ध्यान देंगे। लोगों के बारे में बनाई हुई राय अधिकतर सही साबित होगी, फिर भी अपने निर्णय का अमल करते समय दोबारा सोच कर ही आगे बढ़ना ठीक रहेगा। दिन शांत रहेगा। पिछले हफ्ते के व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ी राहत भी मिलेगी जो अच्छी लगेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर नजर रखे हुए हैं इसीलिए अधिक मेहनत करें। कुछ अनपेक्षित निजी मुद्दे आपके सामने आ सकते हैं। उनसे आपको आश्चर्य तो जरूर होगा लेकिन आप संतोषजनक तरीके से उन्हें संभालने में कामयाब होंगी। भविष्य में घटने वाली कुछ घटनाओं का अंदाजा लगने के कारण आप परिस्थिति को संभालें। असमंजस्य की स्थिति रह सकती है। कोई खास फैसला करने के लिए विश्वसनीय व्यक्ति की सहायता अवश्य लें। किसी निकट परिजन का स्वास्थ्य परेशान कर सकता है। समय जितना पक्ष का है उतना ही विरोध का भी है, इसलिए संभल कर रहें। जोखिम नहीं लेना है। खासकर करियर के मामले में जॉब के लिए आवेदन करना है तो आज ना करें। किसी खास पारिवारिक आयोजन में व्यस्त होना पड़ सकता है। किसी निकट मित्र के लिए भागा दौड़ी या विशेष प्रयास करने पड़ सकते हैं। गैस की समस्या है तो इसे लेकर पर्याप्त रूप से जागरूकता बरतें। दूर की यात्रा तुरंत परिणाम नहीं भी दे सकती। वीजा या पासपोर्ट बनवाने के मामले में सफलता मिल सकती है। जीवन साथी का व्यवहार अच्छा रह सकता है। सावधानियां। घर में किसी बात को लेकर माहौल बिगड़ सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ठ सदस्यों का उचित मान सम्मान बनाकर रखें। युवा लोग अपने टारगेट को हासिल करने के लिए ज्यादा प्रयास करें। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने साथी के साथ कहीं जाने की आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। इनमें अपने साथी के भाई बहन भी आपको कंपनी दे सकते हैं। याद रखें जिसे हम चाहते हैं
उसे पूरे दिल से अपनाते हैं और रिश्ते में कोई संदेह नहीं रखते। माता के स्वास्थ्य के कारण आप चिंतित रहेंगे। जीवन के इस मनोरम चरण में आप स्वयं को उत्साहित और भाग्यशाली महसूस करेंगे। अनुराग के इस अद्भुत समय में आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। प्रेमी के साथ समय बिताने का लुत्फ़ लेंगे और उसके लिए कुछ अलग कर सकते हैं। अपने रिश्ते की कद्र करें, अपनी पार्टनर को वक्त दें और उसे प्यार का एहसास कराएं। भाग्य लक्ष्मी और पोषण से संबंधित ग्रह आज आपकी राशि में चमक रहे हैं। अपने प्यार को एक आरामदायक अनुभव से रूबरू करवाएं। अपने प्यार को महसूस कराएं कि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों की स्थिति आपके प्यार के जीवन की रक्षा करेगा। ये समय प्रेम में डूबने का समय है। आज आपको अपने साथी के साथ कुछ निजी और अंतरंग समय मिल सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आज की भावना अदम्य है, इसलिए आप अपनी क्षमता को दूसरों को आगे बढ़ाने में समर्पित करें और चीजों को व्यवस्थित एवं संगठित करें। इसे आप अपने कठोर मेहनत के बल पर मान्यता और प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे। आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है, इसलिए अपने खर्चे और निवेश को कम करें। अधिकारी या मालिक से विवाद के चलते आज आप उदास या चिंतित हो सकते हैं। अपने दिमाग को शांत करने के लिए धर्मालय जाएं या भगवान का स्मरण करें। आपके शिक्षक भी आज आपका सहयोग कर सकते हैं। लोगों की भावनाओं को समझें और दुनिया आपके कदमों में होगी। जीवन का यह चरण आपके पेशेवर जीवन को कई अच्छे और शिक्षा प्रदान करने वाले अनुभवों से नवाजने वाला है। आपकी ऊर्जा आपको सभी सौदे या कार्यों में अच्छे परिणाम दिलाएंगी। जिस काम को आपने शुरू किया है उसे आज पूरा अवश्य करें। सोचे समझें और उसके बाद काम करें, यही आज के दिन का मंत्र है। व्यवसायिक काम में रुकावटें आएगी। धैर्य और गंभीरता से काम करने की जरूरत है। उचित समय आने पर समस्याएं हल भी हो जाएगी। इस समय महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करने का प्रयास करें। बात करते हैं सेहत की। शारीरिक और मानसिक थकान हावी रहेगी। ध्यान और मेडिटेशन जरूर करें। यह समय एक सख्त शारीरिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आपको यह भी समझना है कि जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। कुल मिलाकर आप अपनी सेहत के लिए जागरूक हैं, लेकिन अब आप अपनी ट्रेनिंग के प्रति और अधिक समर्पित हो जाएंगे। आप किसी खेल प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे और बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। आज अपने डाइट पैटर्न में भी आप बदलाव करेंगे। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, अति शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।